ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 6 ਬੱਚੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੋਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। मैम अज भी 3 बच्चे जड़े है कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कि सरकारी स्कूलों तो बिलोंग कर रहे हैं? ए टूडी के ब्लॉक के 3 जड़े स्कूल है, एक दौदर शरखी, एक तलवंडी पंगेरिया और एक कपूरे दे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे है। किस तरह हूँ मैम इन्होंने क्वारंटाइन किया गया या? असी स्कूल इनफॉर्म कर दिता है जो भी हैड्स है उन्होंने, और वो उन्होंने बच्चों क्वारंटाइन करेंगे, उन्होंने बाकी जिहड़े नाल स्टूडेंट्स है उन्होंने सैंपल ले जाएंगे और जिहड़े उन्होंने फैमिली मैंबरस है उन्होंने सैंपल ले जाएंगे। किस तरह की तैयारी है मैम सेहत विभाग की? साढ़े वालों तो जिहड़ी अवेयरनैस की जा रही है, स्कूलों के सैंपल्स ले जा रहे, हर रोज़ तकरीबन 100 to 150 हर ब्लॉक के स्कूलों के जाके सैंपल ले जाते हैं, ते बाकी स्कूल बच्चों नू अवेयर किया जाता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करन, मास्क जरूर लगान और हाथ बार बार धोन, नहीं तो लोड़ पैन ते सैनिटाइजर की वरतों करन। जानकारी मुताबक 3 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने उत्ते उन्होंने 14 दिन लई एकांतवास कर दिया गया है। इस दे नाल ही उन्होंने नाल संबंधित क्लासा भी 14 दिन लई बंद कर दी गई हैं। अज ही सानू पता लगा जी 16 तरीक नू साडे स्कूल की 10वीं 20वीं श्रेणी की विद्यार्थिन किरणदीप कौर वो करोना पॉजिटिव आई है। उसका टैसट पिछले 11 तरीक में होया सी, डॉक्टर सिमरपाल सिंह जिहड़े के CHC ढिडीके दे इंचार्ज हैं उन्हां वल्लों अज संदेश आया, टैलीफोन संदेश आया, तो आउंदे सार ही असी सूचना जिहड़ी आ उह मानयोग जिला सिक्ख्या अफसर साहब मोगा सैकंडरी सिक्ख्या मोगा दित्ती, तो उन्हां तों प्राप्त दिशा निर्देशों अनुसार ही जिहड़े अज ही जिहड़ी 10वीं 20वीं पूरी क्लास असी क्वारंटाइन कर दिती है, तो 14 दिनों तक 31 अगस्त 2021 तक उन्हां विद्यार्थियों नूं जिहड़ी पढ़ाई आ वह घर बैठिया ऑनलाइन क्लासिज राही जूम क्लासिज दे राही करवाई जाएगी। पंजाब का किसान देश नूं अन्न पैदा करके दिंदा है, पर अज पंजाब दे किसान ते बहुत वड्डा आर्थिक बोझ पै गया है। डीजल दियां कीमतां तकरीबन 100 रुपये ते पहुँच गईं। मैं वादा करदा है श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनते हर किसान नूं 10 रुपये लीटर डीजल सस्ता देवांगे, तकरीबन 2200 रुपये एक ड्रम अगर उहदा फायदा होगा जिस नाल उहदा बोझ घट सके। देश दुनिया दीयां ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।